फ्रेंड्स, मैं आपके सामने आज एक्सेल की क्लास शुरू करने जा रहा हूँ। इसके अंदर हम बेसिक चीज़ें ही पढ़ेंगे आज। फर्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पर हमारा लेफ्ट राइट साइड में थ्री आइकन बने होते हैं। टॉप में हम देखते हैं तो पहला होता है हमारा क्लोज। इससे क्या होती है, हमारी कोई भी फाइलें होती हैं, अगर हम इस पर माउस को, जो एरर होता है, इसको हम जैसे ही ऊपर ले जाते हैं तो ये एरर हमें शो करता है और यहाँ पर क्लोज कहा जाता है। लाइक मैं इसको, यहाँ पर फाइल मेरी ओपन हो रखी है और मैं इस पर क्लिक करके देखता हूँ कि ये क्लोज होती है या नहीं। मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ था यस, नो या कैंसिल। अगर मैं कैंसिल पे क्लिक करता हूँ तो ये कैंसिल हो जाती है, अगर यस करता हूँ तो ये यहाँ से हट जाती है फाइल पर। बट मेरे को नो करना है फिर, एंड क्या करना है, मेरे को विंडो प्लस आर करना है, देन एंटर कर देता है, जो मैंने कि आपको फर्स्ट क्लास में बताया फ्रेंड्स। देन इसके बाद सेकेंड आता है, इसका नाम है ट्रेंड रोटेशन डाउन। ये क्या करता है, हमारी जो फाइल होती है इसको बिल्कुल ही आपके नीचे होता है, यहाँ पर स्टेटस बार के नीचे होता है टास्क बार, इस जगह ये लेके आ जाती है। जैसे देखो क्लिक करते हैं दोस्तों, ये फाइल को, सॉरी, ये एक्चुअल में ये क्या करता है, छोटी और बड़ी फाइल कर देता है। आप देख रहे हैं आपके सामने स्क्रीन पे यहाँ पर दिखाई दे रही है, जैसे ही मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये छोटी और बड़ी फाइल में कन्वर्ट हो जा रहा है। इसके बाद लास्ट ऑप्शन आता है हमारे पास, ये क्या करता है दोस्तों, ये मिनिमाइज़ यानी कि फ़ाइल को बिल्कुल ही मिनी कर देता है और यहाँ पर स्टेटस बार पे हमारे नीचे ले आता है। इस जगह हम जैसे ही क्लिक करते हैं वैसे ही वापस फिर दोबारा से अगेन से ये फ़ाइल ओपन हो जाती है दोस्तों। इसके बाद आता है यहाँ पर, इसे कहते हैं हम टाइटल। इस जगह टाइटल होता है कि कौन सा डॉक्यूमेंट हमारा ओपन है। अगर यहाँ पर एक्सेल ओपन है तो एक्सेल आता है दोस्तों, अगर यहाँ पर ओपन है तो एम एस वर्ड आता है, अगर यहाँ पर पेंट ओपन है तो दोस्तों यहाँ पर पेंट लिखा हुआ आता है। सेम ऐसे ही हम अदर ऑप्शन खोलते हैं तो यहाँ पर सेम प्रोग्रामिंग उनके अनुसार आता है दोस्तों। और बाकी चीज़ हम यहाँ पर नीचे आते हैं दोस्तों, तो नीचे यहाँ पर इस साइड हमारा स्टार्ट होता है, यहाँ पर हमारे अदर्स जितने भी होते हैं ये चीज़ होता है दोस्तों। प्लस इसके साथ साथ यहाँ पर सीट वन, सीट टू, सीट थ्री, और यहाँ पर जो एक छोटा सा एरो नज़र आ रहा है दोस्तों, इंसर्ट वर्क शिफ्ट, यानी कि हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर, हम जैसे ही माउस के कर्सर को इसके पास ले जाते हैं तो इंसर्ट वर्क शीट शिफ्ट प्लस F11, यानी कि आप दो तरीके से कर सकते हैं, या तो इसको क्लिक करके कर सकते हैं दोस्तों, या फिर आप शिफ्ट के साथ F11 का यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। मैं F11 का यूज़ करता हूँ, तो देखिए दोस्तों ये एकदम से सीट आ जाती है हमारी। इसी के साथ साथ दोस्तों और भी काफ़ी चीज़ ऑप्शन होते हैं हमारे पास, जैसे कि ये होता है, इसे हम बोलते हैं सेल नंबर बॉक्स। सेकंड होता है हमारा जो FX लिखा हुआ है, इसके सामने ही यहाँ पर काफ़ी स्पेस ये ओपन हो रखा है, इसे हम बोलते हैं फॉर्मूला बॉक्स। इसके बाद होता है दोस्तों यहाँ पर जो ये हेल्प हो जाता है, ये सारा चीज़ होता है, इसे हम बोलते हैं मेन्यू बार दोस्तों। इसी के साथ ये आगे भी होता है, सेम ऐसे ही हमारे यहाँ पर एक और यहाँ पर ऑप्शन होता है फाइल का। इसके अंदर हम जाते हैं, इस पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो काफ़ी सारे न्यू ऑप्शन ओपन हो जाते हैं, जैसे न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट।